गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ R15 वर्जन 3 का रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आपको वॉक अराउंड करा देता हूँ बाइक्स का। कलर जो देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा कलर है। ये डुअल टोन में आता है, रेड ब्लैक कलर। ये 155 सीसी बाइक। ये एक साल बाद यूज करने के बाद का रिव्यू बता रहा हूँ आपको। तो कैसा क्या है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कैसी बाइक है, क्या एवरेज देती है, ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप पूरी वीडियो देखिए और उसमें समझ जाएगा कि आपको आपके लायक है कि नहीं ये बाइक। ये BS6 मॉडल है और लिक्विड कूल इंजन के साथ आता है ये। आप इसका डिजिटल मीटर देख सकते हैं। डिजिटल मीटर अच्छा है, प्यारा है। यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन दिख जाती है कि कौन से गियर में बाइक है, कितनी किलोमीटर चल चुकी है और क्या एवरेज दे रही है, वो भी आ जाता है इसमें। जैसे कि यहाँ पे 48 लिखा है, वैसे तो 48 देती नहीं है, ये 40-45 के बीच में देती है एवरेज। 6 गियर आते हैं इसमें, इस बाइक में। वैसे तो बहुत सी स्पोर्ट्स बाइक में 6 ही आने लग गए आजकल। और मैं इसके आपको हेडलाइट दिखा देता हूँ सामने से। और ये टेल लाइट है। एक साल चलाने के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि बाइक वैसे है तो अच्छी, चलने में पिकअप में भी ठीक है बाइक। ये मोनो सस्पेंशन के साथ आती है, जैसे आप देख सकते हैं मोनो सस्पेंशन। और 14 लीटर की इसकी टैंक है। एंड सीटिंग की बात की जाए तो थोड़ी इसमें सीटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा झुकना पड़ता है। अगर जिसको बैक की प्रॉब्लम है तो उसको तो शायद ही सोच कर ही लेनी चाहिए बाइक, क्योंकि लॉन्ग टूर में थोड़ा बैक में प्रॉब्लम आ सकती है और उसके जो हाथ भी इसमें थोड़े दर्द कर सकते हैं। इसमें दोनों साइड डिस्क ब्रेक आते हैं। ये फ्रंट डिस्क ब्रेक है और ये बैक डिस्क ब्रेक है। टायर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, काफ़ी मोटा है टायर बाइक के हिसाब से। पिकअप भी ठीक है बाइक का, अच्छा है। लुक में तो बहुत ही प्यारी है बाइक और यही कलर जो है सबसे अच्छा दिखता है इस बाइक में, रेड ब्लैक कलर। फुल ब्लैक भी ठीक है पर सबसे अच्छा कलर यही है। इस बाइक में वर्जन 4 भी आ चुका है, उसमें सिर्फ सामने से ही चेंजेस है। उसका सामने का जो यहाँ पे गोल हेडलाइट दे दिया है बस, बाकी सब सेम ही है। इंजन विंजन में फ़र्क नहीं है उतना। तो एक साल यूज़ करने के बाद मैं ये तो कह सकता हूँ कि बाइक ओवरऑल काफ़ी अच्छी है इस रेंज में, क्योंकि इस रेंज से कम कोई स्पोर्ट्स बाइक आपको मिलेगी नहीं। सो बस प्रॉब्लम थोड़ी सीटिंग की है, बस बाकी सब ठीक है बाइक में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि आप उससे अपडेटेड रहेंगे। जब भी मेरी न्यू वीडियो आएंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।